अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हदम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप डेट आप लोग ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। तो भाई लास्ट वॉक में जैसे आपने देखा, मैंने फुल टू डेकोरेशन किया अपने ईद गिलाद नबी के लिए। फुल हमें मोहम्मद अली मस्त खुश हो गया, लाइट्स देख के, मस्त जगमगाट देख के। आपको पता होगा मोहम्मद अली है मेरा भतीजा ना, उसके अलावा मेरा एक भांजा है, इसके मैं यूजुअली जब व्लॉग में नहीं दिखा क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली थी। तो भाई इसलिए मुझे परमिशन मिल गई है इसको व्लॉग में दिखाने के लिए। दोनों भी यहीं पे घूम रहे हैं, लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोनों भी। तो फर्स्ट यहाँ पे अपना मोहम्मद अली, ये मेरा भतीजा, एंड भाई हियर इज माई भांजा। देखिए भाई ये मोहम्मद अय्यान, हाई हाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे कि मैं ब्लॉग भी देखा हुआ था यंगस्ट फॉग जस्ट बॉर्न, तो भाई ये वो है। इस बार मैं सस्पेंस नहीं रखा जितना मोहम्मद जी के टाइम रखा था मैंने, एक ही वाला भांजा एक ही अपना भतीजा। भाई दोनों मेरे लिए भाई छोटे भाई है, जैसे कि राहिल एंड रिजवान है, एंड ऑब्वियसली अरफात है, वो मेरा भांजा है। बाकी दोनों का बर्थडे भी जब साके गया था, एंड यहाँ पे मेरी छोटी भांजी। तो मस्त भाई बच्चों को पार्टी का मस्त लाइट देख के खुश हो जाता है, लो भाई फ्रेम क्या मस्त लग रहा है। वैसे पहला वाला जो ब्लॉग है उसको एडिट करना है भाई, तो भाई एडिट नहीं हुआ, बाकी खाना वगैरह अपना खा लिया मैंने। हाँ, तो भाई ये आ गया है मेरे एक भांजा एक भतीजा, दोनों भी मेरे छोटे भाई है ना। हाँ भाई यहाँ पे अपनी भांजी आयत। अच्छा तो बाकी भाई इनकी वीडियोस मैं इसके लिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि फ्यूचर में जब भी बड़े हो जाए तो उनको देखने के मिले। क्योंकि भाई मैं भी अपनी मम्मी को बोलता था काश मेरे टाइम कोई वीडियो रिकॉर्ड करता, ये बड़ा हो जाएगा एटलीस्ट इसको देखने मिलेगा कि भाई बचपन में कैसा दिखता था, क्या करता था। हाँ भाई, हाँ चल भाई, तो रेड स्टॉप पकड़ने में दूंगा नहीं, नहीं नहीं तो रिमोट लेना बस। ओके हेलो, बाकी आप मेरे कितने लोग ऐसा पसंद है मेरे और मोहम्मद अली को देख के, ताकि मुझे छोड़ दो मोहम्मद अली को देख के आपको कैसा लगता है। क्योंकि भाई मैं तो ऐसा दिखते रहता हूँ आपको। रात में मैं सोच रहा था कि अगर बारिश आई रात में तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरे सारे के सारे कनेक्शन जो बाहर ही है, वायरवुड में बैल्कनी में, अब बारिश आती भी रात में तो अगर सारी की सारी लाइट इंक्लूडिंग वायरवुड खराब हो जाएगी। ऑब्वियसली रात में बारिश आती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं, मस्त ही हुआ, हल्की हल्की धूप है। एनी गुड मॉर्निंग एंड आई विश दैट आपका दिन अच्छा गुजरे। तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते फटाफट से, उसके बाद जैसे लास्ट वॉक देखा था भाई 9 मिनट का ब्लॉग था अपना। राइट से भाई ब्रेकफास्ट भी अपना हो चुका है, ब्रेकफास्ट में था भाई अपना घाटिया। भाई घाटिया एक ऐसी जगह जो कि मुंबई में बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं, घाटिया हो गया, खमन ढोकला हो गया। वेकेशन के बाद जब हम जाते हैं मुंबई वापस से, तो फिर हम लोग जो घाटिया पासा कर लेते थे, फिर हम भी रखते थे बिल्डिंग में अपने जो पड़ोसी आसपास वाले उनको भी देते थे। तो डेफिनेटली घाटिया एक ऐसी चीज़ है जो कि मुंबई में बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आज जाके असल लोग अपनी तैयारी कर रहे, लाइट्स लगा रहे अपने घरों पे। मैं जैसे मैं करके ब्लॉग में देखा होगा भाई ड्रिजलिंग हो रही थी, भाई अभी भी जो बारिश के आ गए, तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई लोगों को भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे बारिश आता है तूफान आता है, इस बार लाइट लगानी है मतलब लाइट लगानी है। तो अभी क्या था बाहर बाहर की छोटी मोटी चीज़ रही जो कि लेके आ गया मैं। तो सेफर साउंड मैंने आज भी जब फुल तैयारी करके रखा हूँ, क्योंकि इनकेस अगर आज भी ड्रिजलिंग होती है जो कि लगता है होगी मुझे, यू गाइस कैन सी, तो एटलीस्ट हमने जो वायर बोर्ड है वो बच जाए। ताकि देखते हैं इंशाल्लाह शाम को देखते हैं बाहर चल गए लाइट्स और मिली तो लेके आएंगे। एंड यहाँ पे अपना फ्लैग, मैं फ्लैग भी मुझे देखने ऑनलाइन अवेलेबल नहीं वैसे, तो भावनगर जाके देखना पड़ेगा। देखिए आई डोंट नो कभी जाके पॉसिबल हो पाएगा जाना। बाकी मेरा जो मोहल्ला, मेरा जो एरिया है, अभी भी काफ़ी लोग मेरे घर पे जो लाइट्स लगा रहे, तो वैसे सिर्फ मेरा मोहल्ला है, मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे जानते हैं, तो अगर मैं उनका घर दिखा तो कोई डेकोरेट करा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बट मैं टाइस हूँ थोड़ा, अगर मैं दूसरे कोई मोहल्ले में जाके उनका अगर घर का वीडियो में डेकोरेशन दिखा तो शायद से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो घर है उनका उनका नाम लिखा हुआ होता है, तो डेफिनेट उनकी प्राइवेसी वैसे हो सकती है। बाकी यहाँ पर वायर बोर्ड वगैरह सब रखे हुए, a few moments later ईद मिलाद नबी की डेकोरेशन आप देख सकते हैं भाई, फुल एकदम जोरों शोरों से चालू है भाई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह भाई, आज रात डेफिनेटली काफी मस्त नजर दिखने वाले हैं। कल के मुताबिक आज लोगों ने जो डेकोरेशन स्टार्ट किया है। मैं एक और बात, भावनगर में जो बारिश आ रही थी थोड़ी देर पहले, मैं और तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे भी काले काले बादल के फुल रखे थे। अभी कुछ हार्डली 15 से 20 दिन बचे हैं बारिश के। अरे भाई यहीं पे भी पानी भरा था, अभी ऐसे लॉन्ग रूट हिलना पड़ेगा देर के भाई, यहाँ पे पानी भरा था तभी वहाँ से जाना पड़ेगा। दिस इज काइंड ऑफ शॉर्टकट भाई, रियल लाइफ में ज़्यादा ह्यूज हूँ जिसकी वजह से गाँव वाले को लगता है मैं ए हो क्या क्या, तो रियल लाइफ में काफ़ी ह्यूज दिखता हूँ जिसकी वजह से गाँव वाले को लगता है कि मैं शादी से तो मैरिड हूँ। क्योंकि गाँव में आपको पता है क्या होता है, 18 साल के होते हैं शादी करा दो, यूजुअली अपने कम से कम 30 साल जो है कमाने में लग जाते उसके बाद शादी करते हैं आराम से। भाई यहाँ पे 18 साल के हुए नहीं, बस शादी करा दो भाई। 17-18 साल से मैंने मिनिमम आपको एज बताया, बस स्टार्टिंग तो शादी की 15 साल की उम्र से हो जाती है गाँव में। तो भाई इतने दिनों बाद जाके फाइनली मेरा गोल कंप्लीट हुआ है 5000 स्टेप्स का, भी जो है 6000 से ज़्यादा हो गया स्टेप। मैं कल के ब्लॉग में देखा होगा, कल मैं डेकोरेशन किया था अपने
बेल्कनी को, तो आज मेरे पीछे माशाल्लाह लाइट ही लाइट है हर जगह। आज था मैं डे टू एंड आई एम श्योर यार मेरे डेकोरेशन कर लेगी इतने दिन अभी की। मैं इस स्टॉक को भी कहता हूँ यहीं पे समाप्त। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी डू कमेंट माय वीडियो बिलो, बाकी फोर मोर अपडेट हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुक्रिया स्टॉक का देखने के लिए, थैंक यू सो मच, मिलता आपको बहुत जल्द नेक्स्ट स्टॉक में। टिल देन नेवर गिव अप, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।